हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम वी डन किंगडम प्रोटिस्टा, सो नाउ वी स्टार्ट विद द किंगडम फंजाई. सो फंगस, यू नो दैट इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. हैबिटेट मतलब वो जहां रहता है, और मॉर्फोलॉजी जो उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है. बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी मतलब बहुत तरह की फंगस आप हमारे वर्ल्ड में पाई जाती है. सो दैट फंगस स्टार्ट फ्रॉम यूनिसेलुलर यीस्ट. यीस्ट भी एक फंगस है जो यूनिसेलुलर है, और एक हाईली कॉम्प्लेक्स एडिबल मशरूम. मशरूम भी एक फंगस है. सो दैट्स व्हाई वी से दैट इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड द हैबिटेट. मोस्टली इट फाउंड इन द हैबिटेट इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज. सो that grow in different parts. For example, when the fungus grow on the tree bark, tree की bark के ऊपर, tree की जो आपने hard surface देखा है stem के ऊपर, that is called bark. So when the fungus grow on the tree bark, then it is called corticollis. When it grow on the dung, that is then it called coprophyllus. And when it grow on the wood, then it is called xylophyllus. So you have to learn that different fungus when grow in different parts, it names are changes. Corticollis when tree bark, dung, coprophyllus, wood par grow karti hai, then it is called xylophyllus. So its body is haploid, thalloid like. Thalloid word jab aap use karte ho, thalloid ka matlab hota hai ki aisa structure jo differentiate nahi hai root, stem or leaves mein. It only a mass. एक मास की तरह आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, लेकिन इसमें ना कोई रूट है, ना कोई स्टेम है, और ना ही लीव्स है. देयर इज ओनली अ मास. सो दैट इज कॉल्ड थैलॉयड. सो फंगल बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइफा. हाइफा का डिफाइन आपको पता होना चाहिए. वन मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइफा. सो दीज ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइफा. सो समाइम ये जो हाइफा है, दे मेक द क्रिस क्रॉस. ये क्रिस क्रॉस बना देते हैं एंड वन अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, देन इट इज कॉल्ड माइसीलियम. तब हम इसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं. जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं, देन इट इज कॉल्ड माइसीलियम. सो सेल वॉल ऑफ द हाइफा इज मेड अप ऑफ चिटिन. चिटिन मीन्स अ फंगल सेलुलोज. सेलुलोज क्या होता है? पॉलीसेक्राइड्स दैट कंटेनिंग नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स. पॉलीसेक्राइड्स, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ये अब आपका जब आपके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो दैट इज द सेलुलोज स्ट्रक्चर. आप जब करोगे तो अब आपको ये पता चल जाएगा पॉलीसेक्राइड चेन ऑफ सेक्राइड्स प्रोटीन्स का मिलकर बनता है. दैट इज द पॉलीसेक्राइड्स. सो रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड द ग्लाइकोजन. ये जितना भी अपना फूड बनाता है वो किसमें स्टोर करता है? किस फॉर्म में? ऑयल की और ग्लाइकोजन की फॉर्म में. सो देर आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस इन द लाइफ साइकिल. इसके लाइफ साइकिल में दो पार्ट है. सो फर्स्ट इज द वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकेंड इज द रिप्रोडक्टिव फेज. वेजिटेटिव फेज को हम एसिमिलेटिव फेज भी कहते हैं. सो वेजिटेटिव फेज मैक्सिमम टाइम व्हेन द स्मॉल फंगस इट इज नॉट विजिबल विद द नेक्ड आईज. सो फ्रॉम व्हेन इट ग्रो इट मूव टू द रिप्रोडक्टिव फेज. तो पहला फेज क्या है? वेजिटेटिव फेज. सेकेंड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज. सो आफ्टर द मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी होती है, इट एंटर इन टू द रिप्रोडक्टिव फेज. तो वेजिटेटिव फेज से किसमें चला गया? रिप्रोडक्टिव फेज में. सो यूनिसेलुलर यीस्ट परफॉर्म बोथ द फेजेस. सो रिप्रोडक्टिव फेजेस में होता क्या है? व्हेन द फंगल बॉडीज एंटायर गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज नोन एज होलोकार्पिक. जब फंगल कंप्लीट बॉडी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड होलोकार्पिक. एंड व्हेन द माइसीलियम, माइसीलियम वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क, इट मूव इनटू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड यूकार्पिक. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस? अब हम वन बाय वन करेंगे कि कौन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है उसमें.
So reproduction in fungus, vegetative, asexual and the sexual reproduction. So first we start with the vegetative reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने टेंथ में भी किया हुआ है. फ्रेगमेंटेशन, बॉडी ब्रेकअप हो जाती है दो तीन पार्ट्स में और हर एक पार्ट एक न्यू फंगस में डेवलप हो जाता है. फिजिंग मतलब एक सेल दो में ब्रेकअप हो जाता है, ये आपने जैसे अमीबा में भी पढ़ा था. बडिंग, आउटग्रोथ, उसके ऊपर एक आउटग्रोथ बनती चली जाती है. चेन ऑफ बर्ड्स आपने पढ़ा था, यीस्ट की बडिंग, और जैसे ही ग्रो होता है ये बड सेपरेट आउट हो जाती है और हर एक से एक न्यू यीस्ट डेवलप हो जाती है. सो दैट इज बडिंग. सो टुडे वी डन ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगस एंड वी स्टार्ट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो नेक्स्ट टाइम वी स्टार्टेड विद द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस. यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट वर्क इन योर नोटबुक. Have a nice day.